हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? तो आज का हमारा प्लान है मूवी देखने का। यहाँ पे बातूमी में पहली बार हिंदी मूवी लग रही है, और मूवी का नाम तो आप सबने पढ़ लिया होगा टाइटल में। यहाँ पे लग रही है बातूमी में पहली बार एनिमल मूवी हिंदी। और आज एक टेलीफोन नहीं आ गई ब्रो। टेलीफोन तो इतने बिजी बंदे हैं, फोन इतने बजते हैं ना। हेलो। और आज हम जा रहे हैं बतूमी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। और बाकी सब हमारे साथ आए नहीं, अनमोल और सब घर पे बैठे हुए हैं। बहुत बोला उनको मूवी देखने चल पड़ो, कह रहे नहीं जब आज की मूवी तब देख लेंगे, माने नहीं। और कह रहे वैसे बिजी हैं बहुत, वो बिजी भी। मैं दिखाता क्या हूँ कि क्या कर रहे थे बिजी। और बाकी आप सब मिलते हैं जाके हम थिएटर में। ये यार, देखो अभी फ्लैट लगे में बैठ लगे के इन सब यार। कामों में बिजी आए हैं। गाइस हीरो स्क्वायर में आ गए हम। अभी पंजाबी में बोल के हटाऊं, भूल गया था हिंदी में बोलना। तो पास में ही अपना अपोलो सिनेमा, यहाँ पे वहाँ चल रहे हैं। गाड़ी पार्क कर दी पीछे, बाकी मूवी अपनी स्टार्ट होने वाली है। जल्दी पहुँचते हैं, देखते हैं और कौन कौन आया देखने के लिए। जल्दी आने वाली है ना, पूरे 40 मिनट पड़े हैं। मूवी में वैसे तो हम जल्दी आए हैं थोड़े, लेकिन भीड़ भी बहुत होने वाली है क्योंकि सारे इंडियन देखने के लिए आएंगे। पहली बार पकड़ा गया होगा, झूठ क्या इसमें, जल्दी आए तो आए। पोलो सिनेमा हम पहुंच चुके हैं, लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं और बाकी आने वाले हैं। बाकी अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, 5-10 मिनट में एंट्री स्टार्ट होगी। और ये हमारे मिस्टर साहब भी इनसे रहा नहीं जा रहा, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए। कैसी लगी? गाइस बातूमी की पहली हिंदी मूवी, आज पहली बार यहाँ पे इंटरवल हो रहा है, हिंदी मूवी लगी है। और मूवी इतनी पसंद आ रही है ना अब तक हमें, जबरदस्त। तू तो क्या बोल रही है इसके बारे में? पहली मूवी देखी है, उसमें डैडी और बेटे का रोमांस। इतनी टेंशन नहीं देखी किस मूवी में आज तक। ना ना इतनी भी कभी नहीं, ये पहले भी भेज रहा है। सारे जितने गाने आपने सुने थे हो गए, आगे बढ़ेंगे आप। गाइस गाने की हाइप थी ना इतनी, उसकी वजह से मूवी देखने के लिए आया। और वो अभी एक बड़ा बरकरार आगे मजा आया चल। फिर ये आगे पता नहीं क्या होगा, वो हम तुम्हें बताएंगे मूवी खत्म होने के हाँ बाद। मूवी खत्म होने के बाद बताएंगे अच्छे से रिव्यू। चलो अब इंटरवल खत्म होने वाला है, चलते हैं अंदर। सभी बाहर आके खड़े हो गए थे। देखिए मजा है, और ये जो मजा है हिंदुस्तान के, सभी भारतीयों को देना चाहता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बात भी है क्या पोस्टर्स? अब हम आपको देंगे कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इस मूवी का। तुम सुनना है नहीं सुनना है वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, पर हम देंगे। 3.5 घंटे लगाए हमने, पैसे अलग लगाए, और पंद्रह क्या सौ रुपए लग गए टिकटों में, बॉडी हजार रुपए के हमने बैग। पॉपकॉर्न खा लिए। मैं ऐसे शो ऑफ कर रहा हूँ कुछ? मूवी बेटा एक नंबर की जबरदस्त है। स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, कास्ट, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, गाने, अर्जुन वैली, हर एक चीज एक एक नंबर पूरी। पापा बेटे का रिलेशन, एंडिंग, क्लाइमैक्स, और जो गाना आया ना बीच और में, जो उस टाइम तो हॉल में पूरी चीखे बज गई थी। पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, कुछ भी कर लेना वो मिस मत करना। इतना मैनेसिंग पूरा है, मस्त। हाँ इतना मैनेसिंग करेक्टर मैंने अपने आप को ही देखा वैसे तो, लेकिन मेरे मतलब अलावा मैं तो पहली मूवी देखी है ऐसी कि मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद भी ना बंदे रुके हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो उठे तक जो नहीं सीट एंड से। होगी उसके बाद भी हम देख रहे हैं कुछ आएगा तो। और 3.5 घंटे की मूवी 1 मिनट के लिए भी लगी कि इतनी लंबी, अभी लग रहा कि बहुत जल्दी खत्म होगी उसका तो पता नहीं। बहुत ही मतलब कहने के लिए शब्द नहीं बचे मेरे पास हमें लगी है मूवी बहुत अच्छी। अब। इसको 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए इस मूवी को, और इतनी बढ़िया है। एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी, मुझे पता है अभी सब तक कुछ तुम है वीडियो इसके देख नहीं अंदर। रहे हो, लेकिन अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो काम नहीं तुम्हारे पास करने जाओ का, तुम्हें यही ब्लॉग रहेगा। जाके मूवी देखो मूवी देखो, काम करो, पढ़ाई पूरी करो, क्या है। और क्या, एंजॉय एक तो करो। मूवी देख के पूरा मजा आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे घूम रहे हैं यूरोप स्क्वायर में। इतनी बढ़िया लाइटिंग्स वगैरह हो रखी है यहाँ पे, घूमने में पूरा मजा आ रहा। एक नंबर, चेक करो जरा पूरा 360 डिग्री का व्यू चेक करो।
अभी तो फिलहाल हम KFC आ गए हैं खाने के लिए। बहुत भूख लगी है। 6:30 बजे का शो था और अब कितने हो गया, 10:45 हो गए। बहुत थोड़ी देर घूम भी लिया, 3.5 घंटे की तो मूवी थी। अब आए हैं KFC, कुछ खा गए फिर चलेंगे गाइस, बाहर। हिमांशु पॉल साहब हमें KFC लेके आए हैं। नहीं KFC की टैग लाइन ही है, इट्स फिंगरिंग गुड। नहीं इट फिंगर लिखेंगे है क्या? और तो मुझे कहना इट्स फिंगरिंग गाइस गुड है। मैं होप उतना ही मजा आए जितने इनकी टैग लाइन है। गाइस, इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग खत्म होता है। ये रही आज की सेल्फी और अब चलते हैं हम घर। बाय। गाइस, आपा यूरोप के रह चुके हैं हुण, ते इत्थे हैगा नेड़े ही, पंजाबी में बोलते हिंदी में बोलना था।